अस्सलामुअलैकुम माय ड्यूर फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं पेठे की पिनिया। अच्छा जी, तो पेठे की पिनिया मैंने तो ये फर्स्ट टाइम सुना है, शायद आप जानते हो, लेकिन मैंने ये गांव में आई हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है पेठे की पिनिया भी होती हैं। पेठा दरअसल मुझे पता नहीं था, हमेशा मार्केट से ही खाया है, बेकरी से लेकर रेडीमेड जो पेठा होता है, ठीक है, तो कभी देखा नहीं था कि ये होता कैसा है। तो जी ये किस जैसे होता है ना तरबूज होता है, उसी तरह का ये होता है, गोल सा होता है और ये पेठा होता है, बीज होते हैं इसमें। तो इसको जैसे मार्केट में इस कलर किया हुआ होता है, ग्रीन और रेड कलर का पेठा जो मिलता है, जो हम जर्दे में अक्सर डालते हैं, दूध लारी में डालते हैं, ये वो चीज़ है, इसको कलर लगाया हुआ होता है। ये गांव में आकर ही मुझे इन चीज़ों का पता चला है, मुझे नहीं पता था कि पेठा बेसिकली बनता कैसे है, होता कैसे है, ठीक है। तो ये पेठा लिया, दो लिए हैं 10 किलो के, 5-5 किलो के, ठीक है। उसकी बनाएंगी मेरी अम्मी सास पेठे की पिनिया। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो स्पेशल उनके लिए ये बना रहे हैं। पहले इसके पीस कर लिए थे, फिर इसे कद्दूकस करना है, जैसे हम गाजर वगैरह मूली कद्दूकस करते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसे इसे कद्दूकस करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, अगर आपने भी बनानी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा एक और बात मुझे इसमें पता चली है कि जो इसका जो पानी होता है ना, ये जब हम इसको काटते हैं, हाथ पे पानी लग जाए इसका, वो बालों पर लगे तो बाल वाइट हो जाते हैं। क्या आप कमेंट में मुझे बताएं ये वाकई ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसा हुआ है? अच्छा तो इसे कद्दूकस कर लिया अच्छे से, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बीज इसमें से साइड पर कर देना, अक्सर लोग बीज भी इसमें पका के पिनियों में खा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे बीज इसमें नहीं हो। तो जी मेरी अम्मी ने इसमें से बीज सारे अलहदा कर दिए थे, और जो इसमें पानी हमने ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, जो इसका जो पेठे का पानी है ना कद्दूकस किया था, उसी पानी में इसने पकना है, पतीले पे चढ़ा देना है। तकरीबन ये 2 से 2.5 घंटे लगे थे पकने में, पानी भी इसका खुश्क हो गया था और ये इस तरह गल सा गया था, ठीक है। इस तरह फिर ये पका लिया पतीले में, बड़े से पतीले में, खुले से पतीले में पकाना है। तो जी इसके बाद आटा है, आटा 10 किलो का हमने पेठा लिया था और आटा इसमें हमने 2 किलो ऐड किया है, 2 किलो आटा तोल के आपने वही इस तरह ऐड करना है। इसे डायरेक्ट आपने एक फ्राई पैन लेना है, उसमें ऐड कर दिया था मेरी अम्मी ने और फिर इसे ब्राउन किया था, घी बीच में ऐड करती जा रही थी, घी में ही ये पकेगा आटा। आटा चक्की का है, ठीक है, वाइट आटा नहीं है, चक्की का आटा है। और अच्छे से छान के फिर इसे हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता घी डाला, और घी इसमें 2 किलो ही हमने घी इसमें डाला था, ठीक हो गया। अच्छा जी, और घी देसी घी लेना है, मर्ज़ी है, आप दूसरा भी घी ले सकते हैं, आम जो होता है डालडा, तो असली घी जो गांव में तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है, देसी घी और पेठे की पिनियाँ हैं तो ये देसी घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो देसी घी इसमें ऐड कर देना है 2 किलो, थोड़ा थोड़ा डाल के ना हमने इसे पका लेना है। ये अभी किलो आटा है, ठीक है, किलो इसमें घी, और ऐसे ब्राउन हो जाएगा, फिर दोबारा हमने दोबारा स्टेप दोहराना है। अगर बड़े पतीले में आटे को कर रहे हैं ब्राउन, तो फिर उसमें हमने बड़े पतीले में सारा आटा 2 किलो डाल देना है और 2 किलो ही घी डाल देना है, ओके हो गया। अच्छा जी ये अच्छे से लाइट सा ब्राउन, कितने मिनट लगे होंगे? 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, इतना भी नहीं, ब्लैक कर देना, हल्का सा ब्राउन होगा और फिर हमने इसे उतार लेना है, यानी कि पक जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हाथ से भी इसमें डाल रही थी, साथ साथ पक रहा था। ये देखें आटा बिल्कुल आपके सामने है, चक्की का आटा है, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी, कहते हैं कि ये पिनियाँ इसकी होती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ के गांव के शौक से खाते हैं, लेकिन मैंने ये फर्स्ट टाइम खाई है तो मुझे अच्छी लगी थी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चीनी हमने इसमें ले ली है 1 किलो, 1 किलो चीनी हमने इसमें ली है, और चीनी को हम बिल्कुल बारीक पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए है, मोटी चीनी इसमें नहीं ऐड होगी, वरना जब वो पिन्नी खाएंगे तो फिर मोटी मोटी चीनी मुँह में आएगी तो अजीब सा लगेगा, बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अगर कुछ लोग ये ज़्यादा मीठा यूज़ करते हैं, ये ऐसी थी ना इतनी ज़्यादा फीकी ना इतनी ज़्यादा मीठी रखी थी, ठीक है, यानी कि खाएँ और हैवी हैवी ना लगे, दिल भी भारी भारी ना और ईजिली खाई जाए। तो जो ज़्यादा इसमें चीनी चाहते हैं तो वो थोड़ी सी 1 कप बढ़ा सकते हैं, वरना 1 किलो बहुत है। फिर इसमें 4 मगज़ ऐड करने हैं,
और बादाम पिस्ता मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है तो वो नहीं इसमें ऐड कर रहे थे। बादाम और चार मगज भी बहुत है इसमें, और खोपरा वगैरह हमने, और कुछ भी मेवा जात नहीं ऐड करना, ठीक है। बस यही है हमने ऐड करना है इसमें। तो जी हमने सारा, अच्छा ये जो पक गया ना हमारा फ्राई पैन में आटा, ये नीम गर्म ही था, हमने इसमें कद्दू के, जो कद्दू कह रही हूँ बार बार मैं, सॉरी, जो पेठा है ना पेठे में ऐड कर देना है, ठीक है। ठंडा नहीं करना, बेशक गरम है तो गरम ही हमने इसमें ऐड कर देना और अच्छे से मिक्स करना है। ताकत अच्छी खासी लग रही थी इसे मिक्स करने में। अच्छे से सारा जो आटा हमने पकाया है घी में, वो हमने पेठे में मिक्स कर दिया बहुत ज़्यादा अच्छे से। बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छी खासी जान लग के ये मिक्स हो रहा है। आपने इसी तरह से जान लगानी है और अच्छे से मिक्स करनी है, तो फिर ये बहुत ही अच्छी रेडी हो जाएंगी, ठीक है। फिर जब मिक्स हो जाएंगी सारा कुछ ये आटा पेठा, फिर हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है, जो पाउडर हमने बनाया है चीनी का, किलो चीनी, ये हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके इसमें मिक्स करते जाना है, ठीक हो गया। फिर हमने ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हमने मिक्स कर देना है चीनी को। काफ़ी लोग इसमें गुड़ भी ऐड कर देते हैं पिसा हुआ, पर गुड़ की जो चीनी का जो टेस्ट है ना इसमें पेठे में, वो गुड़ का नहीं आएगा अच्छा सा टेस्ट, यही इसमें अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चीनी ही आप कोशिश करें ऐड कर लें। फिर जो बादाम आपने लिए थे चार मगज, तो हमने वैसे ही इसमें ऐड कर देना, उसे ग्राइंड नहीं करना, ठीक है। बादाम को आपने दरदराज, यानी कि मोटा सा, ना इतना बारीक ना इतना मोटा हो, ऐसा हमने क्रश कर लेना है, और बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना बादाम का, इसी तरह हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक हो गया। जितनी देर हमने मिक्स किया है, जो आटा हमने ऐड किया था वो तकरीबन ठंडा हो गया था, और अच्छे से फिर मिक्स कर देना है, बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है बस जी। अब ये अच्छे से मिक्स करके आपने टेस्ट कर लेना है, अगर चीनी आपको यहाँ पर कम लगे तो आप चीनी और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चीनी हमें सही लगी थी, तो बस अच्छे से हमने फिर इसकी पिनिया बना ली। इसे हमने पिनिया सुबह बनाई थी, रात को हमने इसी तरह रख दिया था। अगर आप चार पाँच घंटे ऐसे छोड़ देंगे और फिर इसकी गोल गोल पिनी बनाएंगे, अच्छी बनेगी, ताज़े ताज़े के ना, वो ज़्यादा सॉफ्ट और नरम नरम होता तो पिनी सही नहीं बनेगी, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आप ही बनाएंगे और खाएंगे, आपको पसंद आएगी, और आपने कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।